हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दी क्लास ऑफ साइंस क्लास सेवेंथ वी आर इन चैप्टर नंबर सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस प्रीवियस पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर सिक्स के कंटेंट्स को डिस्कस किया था और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइजिस के फर्स्ट थ्री क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज हम लोग चैप्टर नंबर सिक्स की आ, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं एक्सरसाइजेस के आज उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे माई डेयर स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ माई डेयर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के स्टार्ट किए थे इनको कंप्लीट भी किया था आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर वैन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस बेकिंग सोडा को जब लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है सो बबल्स आर फॉर्म विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस वट टाइप ऑफ चेंज इज इट सो माई डिस्ट्रेंड्स आप देख सकते हैं बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस को मिक्स करने पर एवोल्यूशन ऑफ गैस एक गैस रिलीज होती है सो so, यहाँ पर हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है सो वेन एवर देयर इज अर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस द चेंज विल बी केमिकल चेंज चेंज कैसा होगा केमिकल चेंज होगा सो माई डिस्ट्रेंड्स कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है उसको डिस्कस करेंगे देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा जब मिक्स होता है आपस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और अदर सब्सटेंस भी हम लोगों को मिलते हैं तो इस तरीके का जो चेंज होगा वो कैसा होगा इट इज़ अ केमिकल चेंज ऐसा चेंज कैसा क्या कहलाएगा केमिकल चेंज कहलाएगा सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वैन कैंडल वंस बोथ फिजिकल एंड कैमिकल चेंजेस टेक प्लेस जब कैंडल वर्न होती है तो फिजिकल चेंज भी होता है केमिकल चेंजेस भी होता है सो so आइडेंटिफाई करना है इन चेंजेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई दीज चेंजेस गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ कैमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस जिसमें कैमिकल चेंज भी हो रहा होता है और फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है ये आप लोगों को बताना है तो देखेंगे यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आंसर कैसे आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का सो माय डियर स्टूडेंट्स फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स मेल्ट होती है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आती है और फिर सेट हो जाती है एंड शॉर्टिंग ऑफ लेंथ जब भी बर्निंग होती है कैंडल की साइज जो है वो डिक्रीज होती है कंटिन्यूसली तो ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे फिजिकल चेंज कहेंगे तो ये दोनों फिजिकल चेंज आपको बर्निंग ऑफ कैंडल में देखने को मिलते हैं एंड केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल ये कौन सा देखने को मिलता है आपको बर्निंग ऑफ वेपर बैग्स टू गिव हीट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो वेपर में कन्वर्ट होती है हीट जो बैग्स वेपर में कन्वर्ट होती है वो बर्न हो हमें क्या देती है हीट देती है ओके okay. लाइट देती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर ये न्यू प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ दी न्यू प्रोडक्ट जो हम लोगों को फॉर्म होते हुए मिल रहा है सो so, ऐसा चेंज क्या कहलाएगा केमिकल चेंज कहलाएगा तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आप लोगों को नोट करना है आप लोग इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ वुड यू सो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज कैसे आप बता सकते हैं कि कर्ड की जो सेटिंग होती है मिल्क से कर्ड का जो कन्वर्जन होता है वो एक केमिकल चेंज है सुमाय so स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिल्क को भी टेस्ट किया है क्या और आपने कर्ड को भी टेस्ट किया है दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है दोनों के फिज़िकल स्ट्रक्चर में फ़िजिकल टेक्सचर में भी डिफरेंस होता है और दोनों को अगर हम लिटमस uh, टेस्ट करें तो दोनों का जो पी लेवल आएगा वो भी अलग अलग आएगा सो माई डे स्टूडेंट्स इसको आप लोग कैसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे उसको डिस्कस करते कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है सो माई डे स्टूडेंट्स यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस मिल्क अगेन फ्रॉम द कर्ड मिल्क से कर्ड बनाने के बाद कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते हैं और कर्ड और मिल्क टू डिफरेंट सब्सटेंस हैं सो इट इज़ सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ केमिकल चेंज कर्ड एंड मिल्क आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेज हैविंग डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट स्मेल एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनकी हर एक चीज़ बदल जाती है इसलिए इस तरीके के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोगों को कंप्लीट करना है डिस्कस करना है क्या दिया है उसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इंटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिट टाइप्स ऑफ चेंज बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इंटूल स्मॉलर पीसेस बर्निंग ऑफ़ वुड में माई डियर स्टूडेंट्स हमें हीट मिलेगी सब्सटेंस अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी सो माई स्टूडेंट्स इस तरीके का जो चेंज होगा बर्निंग ऑफ वुड तो ये जो चेंज होगा ये क्या होगा केमिकल चेंज होगा एंड कटिंग इन टू स्मॉल पीसेस अगर हम किसी वुड को स्मॉल पीसेस में कट करें तो उसका सिर्फ फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वुड वुड ही रहेगी तो इसीलिए लिए यहाँ पर ये दोनों चेंजेस क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं एक चेंज कैमिकल चेंज है एंड एक चेंज यहाँ पर जो दिया है वो क्या है फिजिकल चेंज है सो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसको डिस्कस करते हैं सो माई डे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है बिकॉज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वुड प्लस ओ टू इज इक्वल टू चारकोल प्लस सी ओ टू प्लस लाइट प्लस हीट इतने सारे बाय प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं जब हम वुड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं जलाते हैं सो माई डिफ्रेंड्स इस तरीके का जो चेंज होगा वो क्या होगा केमिकल चेंज होगा वाइल कटिंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म सो कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज क्योंकि हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस वहाँ पर फॉर्म होते हुए नहीं मिलता है सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवेन नाउ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसके बारे में इसका आंसर आप लोगों को लिखना है डिस्क्राइब करना तो इसका आंसर आपकी बुक में ही दिया हुआ है अंडर दी टाइटल क्रिस्टलाइजेशन पेज नंबर सिक्सटी फोर पर यह आंसर दिया हुआ है तो डिस्कस करते हैं कि कैसे क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं माय स्टूडेंट्स आपकी बुक में पेज नंबर सिक्सटी फोर पर टाइटल नंबर सिक्स पॉइंट फोर क्रिस्टलाइजेशन में ये एक्टिविटी सिक्स पॉइंट नाइन जो दी हुई है यही आंसर है हाउ कैन यू मेक दी क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कैसे बनाएंगे तो ये एक्टिविटी ही आपका आंसर है आंसर नंबर एट में आपको ये एक्टिविटी ही लिखनी है दिस इज़ दी आंसर नंबर एट ये आंसर नंबर एट है जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं इस तरीके से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अगर आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग अगर हम आयरन गेट को पेंट करते हैं तो वो रस्टिंग से कैसे बचा लेता है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है हम लोगों ने ये रस्टिंग आयरन को प्रिवेंट करने की मेथड्स में ये डिस्कस किया था प्रीवियसली कि पेंट करने से क्या होता है आयरन का जो कांटेक्ट है एयर से और मॉइस्चर से वो कम हो जाता है इसलिए हम उसकी टाइम टू टाइम अगर हम पेंटिंग करते हैं तो हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे माई डियर फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे आंसर नंबर नाइन पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज पेंटिंग प्रिवेंट द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर रस्टिंग सो पेंट करने से क्या होगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट हट जाएगा और जो कि रस्टिंग uh, के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अगर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर नहीं होगा तो आयरन में कभी रस्टिंग नहीं होगा

Uh, जो रस्टिंग है वो कोस्टल एरियाज़ में क्यों होता है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ही जब हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था डिस्कस किया था सो तो माइड स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सेम आंसर फिर से बताना है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं सी से लगे हुए सी बैंक से लगे हुए वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है ज़्यादा होता है एयर में सो मॉइस्चर के कारण क्या होता है रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे माय माई स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया बिकॉज ऑफ कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर एट कोस्टल एरिया इज ग्रेटर देन दी कॉन्टेक्ट कंटेंट एट डेजर्ट प्लेस डेड डेजर्ट प्लेस से ज्यादा मॉइस्चर आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी आप लोगों को कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलेगी और मॉइस्चर इज़ वेरी इसेंशियल जैसा कि ऊपर भी लिखा है मॉइस्चर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दी रस्टिंग और मॉइस्चर इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग सो इन दिस वे यू हैव टू राइट दी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर इस तरीके से आप लोगों को लिखना है नाउ माई डे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एलेवन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर एलेवन द गैस बी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन दी सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड जो सिलेंडर में जो गैस होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एल पी जी वो जो लिक्विड स्टेट में हमारे सिलेंडर के अंदर एग्जिस्ट करती है दैन इट कम आउट फ्रॉम दी सिलेंडर इट बिकम अ गैस सबसे पहला जैसे ही सिलेंडर से बाहर आती है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको नाम दिया है चेंज ए देन इट वंस चेंज बी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दिस चेंज चूज द करेक्ट वन प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज दैट मीन्स लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना केमिकल चेंज है सुस्टेंट दिस इज नॉट अ करेक्ट वन नेक्स्ट प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज देन इट्स बर्न इट बर्न यस माई डिस्ट्रेंट जब एल पी जी बर्न होगी तो हमें हीट मिलेगी लाइट मिलेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होगी या जो भी कंटेंट है अदर कंटेंट गैसेस के वो वहाँ पर रिलीज होंगे तो दिस प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज नाउ यहाँ पर दिया है बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज नो दोनों केमिकल चेंज नहीं है नन ऑफ दिस प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज तो इस ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है सो ओनली स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट कर लेना है इसको आप लोग बुक में ही टिक कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एनरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल बेस्ड एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए ना डाइजेस्ट करते हैं एनिमल वेस्ट को और बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं ये चेंज ए है द बायोगैस इज़ देन वन एज फ्यूल अगर हम उस बायोगैस को जलाते हैं एज अ फ्यूल सो यहाँ पर इसको नाम दिया है चेंज बी दी फॉलोविंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस चूज दी करेक्ट वन तो आप लोगों को चूज करना है तो प्रोसेस ए प्रोसेस दिया है ए इज़ अ केमिकल चेंज यस माई डे फ्रेंड्स दिस इज अ केमिकल चेंज अ एनिमल बेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट हो गया तो so, ये कैमिकल चेंज हुआ प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज यस माई डेयर फ्रेंड्स बायोगैस इज वन एज फ्यूल चेंज बी दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं जो उनको यहां पर डिस्कस करेंगे बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज यस सो दिस इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस एंड नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज तो ये आंसर नहीं होगा सो माई डे स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू मार्क द आंसर नंबर ट्वेल्व सो माई डेयर स्टूडेंट्स इन दिस वे टूडे वी हैव कम्प्लीटेड ऑल दी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आज हम लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये आंसर्स समझ में आए होंगे आप लोग इन आंसर्स को अच्छे से नोट कर सकते हैं इनको लर्न कर सकते हैं सो माई डे स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिक्स चैप्टर ऑफ योर सिलेबस आई होप कि आप लोगों ने इन सारे चैप्टर्स के कंटेंट्स को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया होगा और समझा होगा सो माई डियर फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टोडेज क्लास सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सेवन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे